हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जैसे तुमको हर एक सब्जेक्ट में मैंने हेल्प किया था, इकोनॉमिक्स में, कॉस्ट में, कॉमर्स में, वैसे एक्सपोर्ट मार्केटिंग का भी IMP थ्योरी एक्सप्लेनेशन दे दिया हो, और ऑब्जेक्टिव्स भी तुमने हमारे लिए तैयार करो, ठीक है? तो मेहनत भी करो, ऑल द बेस्ट। और यही बोलना है कि हो सके तो अपने सर को गुरु दक्षिणा भी दे सकते हैं प्यार से। ओके, चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग एकदम बोरिंग सब्जेक्ट इसके लिए हो जाएगा क्योंकि तुमको छुट्टी मिलती है, बीस दिन इंसान पढ़ता नहीं। ओके, तो अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक्सपोर्ट मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर कंट्रीज बिकॉज इट लीड्स टू, एक्सपोर्ट मार्केटिंग के कारण क्या होएगा, जब इंडिया एक्सपोर्ट करेगा तो पीसफुल इंटरनेशनल रिलेशन होगा, अच्छा स्प्रेड होएगा, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिस्क कवर होगा, फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। इसका आंसर ऑल द अबाउट है, ठीक है। रिस्क इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग इज ड्यू टू सिविल डिस्टर्बेंस, मतलब जो सिविल, मतलब उस देश के अंदर ही आपस में लोग लड़ रहे, सिविल डिस्टर्बेंस का रीजन है पॉलिटिकल रिस्क। ओके, और कार्गो रिस्क मतलब चोरी हो जाना, कमर्शियल मतलब उधारी का पैसा, लीगल मतलब उधर का रूल्स एंड रेगुलेशन। तो चारों में से एक ब्लैंक्स कंफर्म आएगा, कोई भी एक अलग अलग सेंटेंस आएगा, ठीक है। व्हाट कंट्रीब्यूट्स अ मेजर शेयर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन टोटल इंडियन सर्विस एक्सपोर्ट, तो इंडियन हमारी जो देश है, हमारा भारत, वो ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या करता है, सॉफ्टवेयर ऑफ एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि फॉरेन कंट्री को सॉफ्टवेयर उधर महंगा पड़ता है, इंडिया के एम्प्लॉयज हायर करके लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर सर्विस देते हैं। ओके, ये सब डैश रिसेस प्राइस इम्पोर्टेड गुड्स देयर बाय डिस्करेजिंग इम्पोर्ट, मतलब इम्पोर्ट का प्राइस बढ़ जाता है। और ओके, किसके कारण होता है, टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर का मतलब होता है टैक्स पे, गुड्स पे टैक्स लगाना इम्पोर्ट। तो इसका टैरिफ में दो होता है, टैरिफ नॉन टैरिफ। तो मैंने इसका आंसर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, IMP क्वेश्चन है, कंफर्म है। ओके, फिर एक क्वेश्चन क्या दिया है, गैट क्या दिया है, गैट वॉज रिप्लेस बाय WTO। गैट का फुल फॉर्म आएगा एग्जाम में, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ऑन ट्रेड। ये WW2 के बाद बना था, उसके बाद WTO आया और उसको हटा दिया, क्योंकि इसमें अमेरिका मेंबर नहीं था। अमेरिका मेंबर किस में है, WTO का। EU का भी फुल फॉर्म आ सकता है, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, क्योंकि फुल फॉर्म का तुमको मार्क्स मिलेगा, इधर ही दिया है। AOA का मतलब क्या होता है, AOA का मतलब होता है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ WTO। MEIS इज एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट, MEIS किसको सपोर्ट करता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ताकि बिजनेस आसान हो जाए, MEIS मैन्युफैक्चरिंग। DGFT क्या है, डायरेक्टोरेट जनरल फॉरेन ट्रेड, डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंडियन एक्सपोर्टर को क्या देता है, IEC नंबर देता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नंबर। ओके, IEC सी फॉर, चलो याद नहीं आ रहा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ओके, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, क्योंकि इसके लिए रिवाइज करा रहा था कि तुमको फॉर्मूला याद हो जाए। 5-star एक्सपोर्ट हाउट के लिए कितना मिनिमम एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए, $2,000 मिलियन, कितना है, 2,000 फाइव एक्सपोर्ट स्टार के लिए। ओके, असाइड स्कीम प्रोवाइड बेनिफिट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट टू स्टेट, अलग अलग स्टेट में डेवलपमेंट उसके लिए होता। और डेस्ट एंजॉय द स्टेटस ऑफ डिमांड यूनिवर्सिटी, IIFT। ओके, ये इसका है कुछ फॉरेन ट्रेड तो है इनिशियल, तो इसका याद नहीं आ रहा, स्टूडेंट देख के बताता हूँ। ये है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, FICCI वॉज इस्टेब्लिश ऑन द एडवाइस ऑफ महात्मा गांधी, 1927 में बना था। अरे बाप रे, बहुत पुराना है रही। तो बाकी का भी अपडेट, इसका फुल फॉर्म अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ट्रू ऑफ फॉल्स कैसे आएगा, ध्यान दो, ठीक है, कॉपी करना नहीं है। एक्सपोर्ट मार्केटिंग हेल्प्स इन स्प्रेडिंग रिस्क ऑफ बिजनेस, बिजनेस का रिस्क स्प्रेड होता है, ट्रू। एक्सपोर्ट मार्केटिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग ऑफ द वर्ल्ड, ट्रू, सब देश एक साथ आते हैं ना। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जर एक्सपोर्टर, ऑब्वियसली आग बन करके ट्रू लिखना है। WTO एग्रीमेंट हैव नो इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट ट्रेड ऑफ इंडिया, फॉल्स, बहुत इम्पैक्ट आता है भाई, WTO का जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है बहुत इसका मतलब परिणाम बहुत आगे पीछे होता है। इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ SAARC, अरे इंडिया मेंबर है ना भाई SAARC का, SAARC में कौन है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, एशियन टीम सब है अपना ना, भूटान, नेपाल में उसका हेडक्वार्टर। ओके, तो SAARC का फुल फॉर्म क्या, साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। ओके, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, इंडिया भी मेंबर इसका। ग्लोबल मार्केट रिसर्च हेल्प डज नॉट एक्सपोर्टर फॉल्ट, अरे भाई कितनी गलत बोल रहा है, हेल्प करता है ना यार। MEIS जो मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा है, CIS आर एसोसिएटेड विद इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, यस। ऑनियन आर इंक्लूडेड अंडर कैनलाइज एक लिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट, हाँ उसका एक प्रॉपर कैनलाइज होता है, एजेंसी होता है, उधर से वो जाता है। ओके, नेगेटिव लिस्ट का एक टॉपिक आंसर है, वो एग्जाम में शॉर्ट नोट आने का है, चांस है। ओके, AEZ इज ए स्पेसिफिक ज्योग्राफिक रीजन रिजर्व फॉर एस्टेब्लिश एग्रीकल्चर बेस, ओके राइट है। AEZ एग्रीकल्चर होता है, SEZ वो इकोनॉमिक जोन होता है, इंडस्ट्री के लिए होता है, SEZ बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
एमडीए मार्केट डेवलप असिस्टेंट सप्लाई इंपोर्टेड रॉ मटेरियल टू ऑल एक्सपोर्टर फॉल्स नहीं, ये सब नहीं काम करता है। आईपी एक्ट एज ए पब्लिसिटी विंग ऑफ इंडियन गवर्नमेंट फॉल्स नहीं। आईजीएसटी इज कलेक्टेड ओनली बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉल्स। आईजीएसटी कौन कलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। और जो ये क्वेश्चंस आईएमपी है मैंने एक्सप्लेन भी करा दिया, अपलोड भी कर दिया, राइट। एग्जाम में क्या आने वाला है, कैसे लिखने का है, तो कॉमर्स और इकोनॉमिक देख के समझ गए आप लोग कैसे पेपर बनाया था आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच।